नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर जहां अब जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं अभियान को लेकर जिला संगठन की बैठक भी बुलाई गई है। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी, जहाँ भोपाल जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस बैठक को संबोधित करेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर जांच दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि बीजेपी लगातार सदस्यता अभियान को लेकर अब तैयारियां तेज कर रखी है। इसको लेकर जिला संगठन की बैठक भी बुलाई गई है, जो कि थोड़ी ही देर बाद बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी, जिसे खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा संबोधित करते नजर आएंगे। भोपाल जिले के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर दिशा निर्देश भी पार्टी की इस बैठक में दिए जाएंगे। जहां आपको बता दें कि सदस्यता अभियान जो कि 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, और अब सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी लगातार काम कर रही है। तमाम बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का काम, उनको चार्ज करने का काम किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए। और इसे लेकर अब एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, जिला संगठन की यह बैठक होगी, जो कि थोड़ी ही देर बाद बीजेपी कार्यालय में यह बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है, इस बैठक में वे भी शामिल होंगे। और खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सदस्यता अभियान को लेकर जहां इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि लगातार सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी काम कर रखी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए पार्टी अब कार्यकर्ताओं को भी चार्ज कर रखी है, उन्हें एक्टिव करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर ये बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। जिला संगठन की यह बैठक, जो कि थोड़ी ही देर में प्रदेश कार्यालय पर यह बैठक शुरू होगी, और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खुद इस बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां सदस्यता अभियान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो थोड़ी ही देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में कई पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, वे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो मुख्य एजेंडा, जो मुख्य उद्देश्य पार्टी का है, वो ये कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना है, अपनी विचारधारा से जोड़ना है, जिसे लेकर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। देशव्यापी अभियान है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार पार्टी इस अभियान को तूल देने के लिए प्रयासरत अग्रसर है, जहां बैठकों के जरिए भी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम किया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और पार्टी की विचारधारा से लोगों को रूबरू कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ सकें। जहां कई अलग अलग तरह से पार्टी लोगों को अपने पार्टी की सदस्यता दिलाएगी, जिसको लेकर आपको बता दें कि संगठन की यह बड़ी बैठक, ताजा अपडेट, जहां यह बैठक भी अब शुरू हो चुकी है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ गई है। शबाना, बड़ी बैठक पार्टी की आज बुलाई गई है, संगठन की यह बैठक है, क्या अपडेट बैठक को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि 17 तारीख को दिल्ली में एक बैठक हुई थी, सभी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंकड़ा जो है केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के भाजपा नेताओं को दी थी, और लगभग 1.5 करोड़ का ये आंकड़ा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार जुटी हुई है। अभी आप देखेंगे लगातार जो है प्रदेश की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सभी जिले के प्रभारी के अलावा सांसद और इसके अलावा जो है संगठन के सभी लोग मौजूद थे। अब ऐसे में अब जिला संगठन की बैठक है, और यहाँ पर जो है सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी जाएगी, और जिम्मेदारी के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, उस विचारधारा से प्रभावित होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा ज्वाइन कराने की ये मुहिम जो है भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ का आंकड़ा अगर पार करना है, तो भाजपा इस बात को अच्छे से जानती है कि कार्यकर्ताओं को साधना होगा,
होगा, पदाधिकारियों को आगे लेके जाना होगा और छोटे छोटे ग्रामीण स्तर में जब कार्यकर्ता जुड़ेंगे, जब सदस्य जुड़ेंगे तो पार्टी जाहिर सी बात है बड़ी पार्टी बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी देश भर में 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य है और उस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। ऐसे में आज जिला संगठन की बैठक जो है पीछे हमारे पीछे चल रही, फिलहाल अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो है भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा, इसके अलावा कृष्णा गौर, भगवान दास सबनानी और सांसद जो है आलोक शर्मा, महापौर, तमाम बड़े नेता दिग्गज मंच पे मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे और संबोधन शुरू करेंगे, फिलहाल कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, ताकि एक सफल अभियान बनाया जाए। जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें पा गई थी, उसी तरह इस अभियान को सफल बनाकर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को यह दिखाना चाहती है कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं या फिर मुख्यमंत्री की बात करूं, वो पूरे देश में एक मिसाल बनेगी कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक तरफ क्लीन स्वीप किया और 1.5 करोड़ सदस्य जो जोड़ने का अभियान बनाया उसको भी सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, लगातार पार्टी अपने लक्ष्य को लेकर अग्रसर है। देखने वाली बात रहेगी शबाना कि इस अभियान के अंत तक में अब पार्टी आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।